नमस्कार। आज की अदालत में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम पेश करते हैं एक ऐसी शख्सियत को जिसे आपने प्यार दिया, मान दिया, सम्मान दिया, बड़ा बनाया, और फिर जनता उससे सवाल करना चाहती है, इल्ज़ामात लगाना चाहती है, उसके काम का हिसाब किताब लेना चाहती है। तो आइए चलते हैं एक ऐसी ही शख्सियत से मिलने, सवाल पूछने, इल्ज़ामात लगाने आज की अदालत में। न राजम न चराजासी दंडो न च दांडिका धर्मेणेव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम्। दुनिया भर में अपने पहचान बनाने वाला और कभी ना खराब होने वाला प्लास्टिक जनता की अदालत में हाजिर हो। प्लास्टिक जी, शो में आपका स्वागत है। अगर माननीय न्यायाधीश अनुमति दें तो मैं आगे की कार्रवाई शुरू करना चाहूंगा। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। आज की अदालत में मुलजिम प्लास्टिक पर यह आरोप है कि वह नॉन बायोडिग्रेडेबल है। आप पर पहला आरोप यह है कि आप नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं नॉन बायोडिग्रेडेबल हूं, मगर नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को 3R रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल के साथ आसानी से भी तो उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार मैं आपके दोबारा भी तो काम आ सकता हूं। अब आप ही बताइए कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होना कोई गुनाह है? प्लास्टिक पर अगला इल्ज़ाम यह है कि वह वायु को प्रदूषित करता है। आप पर दूसरा आरोप यह है कि आप जलाए जाने पर जहरीले धुएं का उत्पादन करते हैं। सिर्फ मैं ही क्यों, जहां तक मैं समझता हूं कि अगर आप किसी भी चीज को जलाते हैं तो वह जहरीली गैस का ही तो उत्पादन करती है। पर जैसा कि मैंने कहा है कि मैं रिसाइकल हो सकता हूं, तो फिर आप ही मुझे बताएं कि लोग मुझे जलाते क्यों हैं? दोष जलाने वाले का है कि मेरा है? आपकी नालियों से क्या दुश्मनी है? आप नालियों को भी चौक कर देते हैं और पूरे शहर के ड्रेनेज सिस्टम को बर्बाद कर देते हैं। मेरी खासियत यह है कि मैं पानी को रोकता हूँ। यह बात आप लोगों को भी भली भांति पता है। यह जानते हुए भी अगर पढ़े लिखे लोग मुझे नाली में फेंकेंगे, नाली तो जाम होगी। मैं तो नहीं जाता नाली में, आप ही लोग मुझे लेकर जाते हैं। तो आप ही बताइए मुझे, इसमें मेरी क्या गलती? हमारी मिट्टी और जमीन को बर्बाद कर रहे हैं। जलीय जीव प्लास्टिक के टुकड़े को भोजन समझकर ग्रहण कर लेते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। आप एक बीमारी की तरह तेजी से फैल रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? अगर आप मेरा सही इस्तेमाल करते हैं तो मैं बहुत मददगार हो सकता हूँ, लेकिन लोग मुझे बाजार में, रेलवे प्लेटफॉर्म पर, सड़क पर या पानी में फेंकेंगे तो मैं बहुत खतरनाक हो सकता हूँ। इतनी समझ और जागरूकता तो लोगों में होनी ही चाहिए कि मुझे यहाँ वहाँ ना फेंकें। कचरा फैलाएंगे तो बीमारी तो फैलेगी। सरकार प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है और अन्य विकल्पों की तलाश कर रही है, इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, मेरे जन्म से पहले भी तो अन्य विकल्प मौजूद थे। अगर उन विकल्पों से आपका काम चल रहा था तो मुझे बनाया ही क्यों गया? आज मैं हर किसी के काम आ रहा हूं और हर घर में मौजूद हूं। लोग मेरे आदि हो चुके हैं। सरकार मुझ पर प्रतिबंध लगाना चाह रही है तो सरकार खुद मुश्किल में पड़ जाएगी। प्लास्टिक जी, ये बताइए कि आप नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहें? मैं नई पीढ़ी से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरा इस्तेमाल सही ढंग से करें, मुझे यहाँ वहाँ ना फेंकें। मैं हल्का होने के साथ साथ सस्ता भी तो हूँ जज साहब। अगर आप लंबे समय तक मेरा लाभ लेना चाहते हैं
तो मेरा सदुपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय न्यायाधीश से ये अनुरोध करूंगा कि वो अपना फैसला सुनाएं। सभी पक्षों और दलीलों को सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है एवं जलने पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, मगर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर इसका इस्तेमाल सही ढंग से किया जाए तो यह अत्यधिक उपयोगी भी साबित हो सकती है। आज के इस कोरोना महामारी के दौर में प्लास्टिक की भूमिका सराहनीय रही है। सरकार प्लास्टिक के उपयोग को कम अवश्य कर सकती है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगा सकती। अदालत प्लास्टिक का दुरुपयोग करने वाले और इसे इधर उधर फेंक कर गंदगी फैलाने वालों को दोषी करार देती है और प्लास्टिक को बाइज्जत बरी करती है। द कोर्ट इज एडजर्न। Thank you.